नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। विकास मेरा मंत्र, सरकार के खिलाफ आरोप निराधार। बुमई, अमित शाह कर्नाटक दौरा और पार्टी की गतिविधि देख, बसवराज बुमई को मिला एक और मौका। विरोध के बाद जागी सरकार, पूर्व सैनिकों की पेंशन बैंक खातों में पहुंचाने का किया वादा, राहुल ने उठाया था मुद्दा। गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, पंजाब दिल्ली और हरियाणा समेत इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना कम। कर्नाटक पीएसआई परीक्षा घोटाला, पिता ने बेटे को सिपाही के रूप में भर्ती कराने के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान किया, सीआईडी जांच से पता चलता है। बीजेपी जानबूझकर राजस्थान को निशाना बना रही है और इसलिए जोधपुर में हिंसा हुई, अशोक गहलोत। चार धाम यात्रा, आज गौरीकुंड में विश्राम करेगी बाबा की उत्सव डोली, मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। सिद्धरामैया ने पीएसआई घोटाला मामले में एडीजीपी अमृतपाल, डिप्टी एसपी को निलंबित करने की मांग की। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को इसके लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ सकती है। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के बारे में बताएंगे अमित शाह। बुमई, आरबीआई ने आम आदमी को दिया झटका, रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान, बढ़ जाएंगे आपके लोन की ईएमआई। अखिलेश से खफा शिवपाल यादव, जल्द करेंगे बड़ा ऐलान, आजम खान की रिहाई का कर रहे इंतजार। अमित शाह 4 मई से 6 मई तक 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे। बेंगलोर राष्ट्रीय डेटाबेस सुरक्षा एजेंसी को नशीले पदार्थों, हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद करेगा, अमित शाह। रूस ने यूक्रेन के 6 रेलवे स्टेशनों को किया तबाह, पश्चिम देशों से आए हथियारों की आपूर्ति को बंद करने का दावा। हिंदी जानने वाले युवाओं को भर्ती कर रही है चीनी सेना, खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जेएमएम ने शुरू की प्लानिंग, हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा तो गुरुजी बन सकते हैं झारखंड के सीएम। आईआईएससी बैंगलोर ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों को आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में दखल देने से किया इनकार, ओबीसी आरक्षण का मामला। कोल नगरी धनबाद में रंगदारों का खौफ, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने पर डॉक्टर ने छोड़ा शहर। ढेर हुआ पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर लाका पहान, नाबालिग लड़कियों को बनाता था हवस का शिकार। स्कूल की टाइमिंग पर झारखंड सरकार का यू टर्न, रांची में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। पीएम मोदी ने स्वीडन की पीएम एंडरसन से की मुलाकात, दोनों देशों में बढ़ेगी और नजदीकी। दिल्ली नगर निगम के स्कूल में बच्चियों के यौन उत्पीड़न, दिल्ली महिला आयोग ने भेजा समन। कर्नाटक में कोई बदलाव नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बसवराज बुमई से कहा। सेहत ही नहीं, इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है बढ़ते ध्वनि प्रदूषण का असर, चढ़ी। सत्येंद्र जैन का दावा, हिमाचल में बीजेपी और आपके बीच होगा मुकाबला, कांग्रेस लड़ाई से बाहर। सर्कुलर, कर्नाटक के डॉक्टरों को सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस नहीं फैलाने के लिए कहता है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह का बड़ा बयान, सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में शिक्षण संस्थानों के बच्चे। हिटवेव, कर्नाटक उच्च यूवी का सामना करता है, त्वचा कैंसर का खतरा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर नियमों का उल्लंघन नहीं, संजय रावत बोले कोई शिवसेना को हिंदुत्व ना सिखाए। महाराष्ट्र, राणा दंपति पर एक और मुसीबत, खार वाले फ्लैट का निरीक्षण करेगी बीएमसी। पुलिस की जांच में विजयनगर में कोई आत्महत्या नहीं, परिवार ने नींद में तोड़ा दम। बीएमसी ने राणा दंपति के खिलाफ अवैध निर्माण के लिए जारी किया नोटिस। बच्चों पर हो कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी परमिशन। कोकरे बेल्लूर में मैसूर इंसुलेटेड पावर केबल, पक्षी को बिजली का करंट रोकने के लिए। जोधपुर हिंसा, पुलिस ने अब तक 141 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीएमएलए मामले में एमएलसी नामोशी को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत। यमुनोत्री धाम की यात्रा के पहले दिन 3 यात्रियों की हुई मौत। दिल्ली, बिल्डर हत्या केस में खुलासा, नौकर ने ऐशो आराम के लिए किया कत्ल, पढ़े आरोपी का कबूलनामा। यूपी लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में कहा, भर्ती परीक्षा में यदि अभ्यर्थियों के समान अंक तो वरीयता, ज्यादा उम्र वाले को। जर्मन चांसलर ने चेताया, रूस के न्यूक्लियर हमलों की धमकी को हल्के में न ले।
बिजली आपूर्ति पर सीएम योगी के आदेश पर अखिलेश का तंज, बोले 5 साल बाद दिमाग की बत्ती जली। सड़क पर तड़प रहे थे घायल रिक्शा सवार, लखनऊ डीएम ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, चालक को दिया नया रिक्शा। ललितपुर पुलिस से न्याय मांगने पहुंची किशोरी से गैंगरेप, थाना अध्यक्ष समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। दिवेंदु शर्मा को देख लोग लगाते हैं मुन्ना भाई के नारे, एक्टर ने खुद बताया अपनी पॉपुलैरिटी के किस्से। मलाइका अरोड़ा ने असफलता और संभावनाओं पर दिया ज्ञान, शेयर की मोटिवेशनल पोस्ट। करिश्मा कपूर ने सलमान खान को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद, फैंस करने लगे शादी की डिमांड। सैफ अली खान को बड़े बेटे इब्राहिम अली की सता रही चिंता, कहा जब मैं यंग था तब ऐसे ही था। अरसलाना गोनी ने परिवार संग मनाई ईद, तो सुजैन खान ने की दिलों की बरसात। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।